ये सब क्या है वैशु? तुम जानती हो मुझे मंदिर आना पसंद नहीं है, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, फिर भी हमेशा मुझे ले आती हो। वैसे मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। मैं आपको इसलिए यहाँ ले आई हूँ ताकि आप पे नजर रख सकूं। वो क्यों? वो इसलिए ताकि आपके दिमाग में आने वाले बुरे ख्यालों से आप बच सके और दूसरों की खुशियों को नजर ना लगा पाए। वैसे भी आज दिवाली है, आज हर कोई मंदिर आता है अपनी एक खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करने, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने। मुझे लगा भगवान मेरी भक्ति देखकर आपकी गलतियों को माफ कर दे और आपको सुबुद्धि दे। अरे आई आओ। आई दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम दोनों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आई। आई अच्छा हुआ तू यही मिल गई, अब एक साथ पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हर साल हम अपने घर में पूजा रखते हैं, लेकिन इस साल, और देखिए ना, इस साल वर्षुताई भी तो नहीं है। पता नहीं सतीश जीजू और वर्षुताई कहाँ चले गए, उनके बिना दिवाली कितनी अधूरी लगती है ना। तुझे कुछ पता है क्या, वो कहाँ गए? कुछ नहीं पता है, मैंने कई बार सतीश और वर्षा को फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। पता है आई, मैं वर्षुताई के घर गई थी, वहां भावना काकी कह रही थी उनको भी कुछ नहीं पता। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहाँ है वो लोग। अच्छा अच्छा आई बताइए, मानव जी जो और अर्चुताई कैसे हैं? वो दोनों ठीक है, दिवाली की तैयारियां करने में लगे हैं। पता है मानव के यहाँ पूरी चौल में बहुत लाइटिंग किया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, बहुत धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं इस साल, और उन्होंने छोटी सी पूजा भी रखी है। अरे वाह, इस साल दिवाली तो सबके लिए बहुत खास साबित होने वाली है। चल ऐसे बातें करते रहेंगे तो फिर वहां अर्चक की मदद कौन करेगा, चलना चाहिए। चले चले। वैशु तुम पूजा करके सीधा घर चली जाना, एक्चुअली मुझे दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी है, मैं करके आता हूँ। लेकिन भगवान के दर्शन तो करके जाइए। लो हो गए दर्शन, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ ले आए, चलता हूँ। सच्चू अपना गेम बंद करो, आज दिवाली है ना, और मैं पूजा भी करनी, जल्दी से तैयार हो जाओ, छोड़ो उसे। आई आखिरी सेगमेंट चल रहा है, ये खत्म कर लो फिर तैयार हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई, तू देखेगा। हाँ दिखाओ। पटाखे? हाँ। क्या आई, ये तो बहुत छोटे छोटे पटाखे हैं, मुझे तो बड़े वाले चाहिए। रुको। मेरे पास तो इससे भी बड़े वाले पटाखे हैं। थैंक यू आई। चलो अच्छा, मेरा एक टेंशन हल्का हो गया। सच्चू आजकल मेरे प्यार को रिस्पॉन्ड भी करने लगा और धीरे धीरे मेरे करीब आ रही। पिछले कई दिनों से उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं उसकी आई नहीं आई। सच्चू आज तुझे तेरी आई लेके जाने के लिए आने वाली है, पूरे घंटे का इंतजार कर बेटा। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले हो गए हैं। बहुत जल्दी माँ बेटा एक साथ होंगे। आई मानव, चलिए आइए, सच्चू को भी लेके आइए, तैयारी हो गई है, आइए। सच्चू चलो आरती करो।
तुम इस घर के सबसे बड़े बेटे हो ना, चलो आज आरती तुम करोगे। अरे वाह अर्चना, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है सचिन पर। ठीक है, जितना प्यार जताना है जता ले, कुछ ही देर बाद तेरे नसीब में खुशी नहीं रहने वाली। मानव अर्चना, पूजा तो हो गई, अब चलो सब नीचे चलते हैं और एक साथ पटाखे और दिए जलाते हैं। हाँ मानव, तुम्हारी वजह से चाल में दिवाली की धूमधाम से मनाई जा रही है और तुम्हें भी हमारे साथ नीचे चलना होगा। जरूर जरूर, हम लोग आज सारे चौल वाले एक परिवार की तरह दिवाली मनाएंगे, आप तो चलिए हम लोग आते। कल ही तू सचिन को लेके यहाँ से भाग जा। कल की दिवाली की रात मेरे सचिन की यहाँ की आखिरी रात होगी। ड्राइवर क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैम वो दिवाली है ना, इसलिए आज ट्रैफिक बहुत है। मुन्नी, यस, अरे ये क्या तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे कमाल करते हो, जल्दी करो। देखो कितने मिठाई और पटाखे लाया हूँ मैं। जल्दी करो, बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं हमारा। मुन्नी के बाल सिर्फ ठीक कर रही हूँ। ओके, देखो कैसी लग रही है मेरी गुड़िया। मैं भी तैयार हूँ। चलो चलते। नहीं नहीं अजय, देख ले, पहले हम घर की पूजा करते हैं। चलो कर ले। हे देवी लक्ष्मी माता, हमारे घर पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। इस शुभ अवसर पर आप हमारे घर पधारी है, विराजमान हुई है, तो हम ये चाहते हैं आपका वास हमेशा हर हमारे घर में रहे और मेरा बेटा दिन ब दिन तरक्की करे। जय लक्ष्मी माता। देखा बंधु, मेरा अजीत कितना काबिल हो गया है, अब तेरे मानो दादा जैसे वो भी पैसे कमाने लगा है। देख देख इतनी सारी चीजें वो लाया है अपने पैसों से और हर एक के लिए, और तू है हमेशा उसे टोकती रहती है। अजीत धर्मेश के साथ मिलकर ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो उनके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं? We'll be right back.
डर मत, सारे मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। हाँ अभी मैं जाती हूँ और सच को लेके आती हूँ। हाँ सविता, अर्चना को बर्बाद करने का आखिरी दांव तुझे खेलना है। सचिन के गायब होने का इल्जाम अर्चना पर डालना है, लेकिन इल्जाम अर्चना पर जाएगा कैसे? एक बार मैं वो तय कर लूं, फिर तो मानव और अर्चना का झगड़ा तय है। दोनों को अलग होने से कोई नहीं बचा सकता। अर्चना और उसकी आई अपने आप ही घर से बाहर चली जाएगी, फिर मेरा घर और मेरा बेटा सिर्फ मेरा बनकर रह जाएंगे। सचू, सचू संभाल के। अर्चना मानो कहाँ है? देखो हम उसे थैंक्स कहने आए, कितने अच्छी तरह चाले को सजाए नाइटिंग करके। और नहीं तो क्या, मानव ने और भी तैयारी कितने जोर शोर से की है। ये दिवाली तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। हाँ हाँ, यादगार तो रहेगी। इस स्टॉल में हमारी आखिरी दिवाली जो है। काकी, अभी कैसी बात कर रही हो? तो और क्या को? तू तो जानती है ना कि हम जिस मानव की तारीफ कर रहे वो उसी कंपनी में काम करता है जिस लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया है। मैंने तो ये भी सुना है कि उस कंपनी का मालिक अपने काम को लेकर इतना सख्त है कि एक बार जो काम हाथ में लेता है ना वो पूरा किए बिना छोड़ता नहीं। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि अगर ये चोल टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? काकी आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए और प्लीज मानव पर शक मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मानव वही काम करते हैं, लेकिन मानव ने उस प्रोजेक्ट में हाथ डालने से मना कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई काम नहीं करेंगे। और मैं जानती हूँ कि अगर मानव इनकार करेंगे तो उनके बॉस उन्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। अगर ऐसा हुआ भी तो मानव हमारे साथ हो, वो कभी हमारी इस चौल को हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे। ये चौल हमारी है और हम यहीं रहेंगे, इसलिए आप प्लीज चिंता मत कीजिए और बहुत खुशियों के साथ दिवाली मनाइए। हाँ अर्चना, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर। मैं जज्बा तुम्हें बहकर कुछ ज्यादा ही बोल गई। वो क्या है ना कि इस चौल के साथ मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसलिए इसके टूटने की खबर से उदास हो गई। बाकी मुझे तुमसे, मानव से या किसी और से कोई शिकायत नहीं है। आई। क्या है, आंखें नहीं है क्या? अगर ये पटाखे दिए पर पड़ते तो धमाका नहीं होता? सविता दाई, माफ कर दीजिए, वो गलती से टकरा गई है, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं जाने दो, बच्चे हैं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या हम और तुम करेंगे क्या? जाने दो, उठा ले बस। तो नहीं हो गई ना? क्यों आई, मैंने क्या किया? तूने किया कुछ नहीं,
लेकिन जो करने जा रही थी वो अगर करती ना तो हम दोनों कहीं के नहीं रहते। मतलब तू किस पर टकराई तुझे मालूम है? हाँ वही देखने के लिए तो मैं मुड़ी थी, लेकिन आप मुझे खींच कर यहाँ ले आए। अरे तू टकराई अर्चना पर, तुझे पता है क्या? अरे इतना ही शौक है ना अर्चना को देखने का, चल मैं तुझे लेके जाती हूँ। क्या वो अर्चना थी? नहीं, अर्चना का भूत था। अरे दो पलों का फासला था, अगर मैं नहीं पहुंचती ना तो हो जाता हमारी दिवाली नहीं दिवाला हो गया होता, समझी? तो और हम कहीं के नहीं रहते, तो दो मिनट का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? आई मैं सचिन को खुशी खुशी पटाखे जलाते हुए देखना चाहती थी, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मैं ही पागल थी जो मैंने आज का दिन चुना, तेरी एक गलती की वजह से हम कहीं के नहीं रहते। सचिन की खुशी देखना तो दूर, तुझे सचिन भी देखने नहीं मिलता, समझे? आई गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तू जाके तेरी गाड़ी के पास खड़ी रहे और मेरी राह देखना, मैं सच्चू को लेके आती हूँ, समझी ना? और जब तक मैं नहीं आती तू हिलेगी नहीं। भगवान कैसे कैसे पागल लोगों से मेरा पाला पड़ा है। सविता तू अगर चालाक नहीं होती ना तो तेरी पूरी बैंड बज जाती। अर्चना यहाँ नहीं है, ये मौका भी अच्छा है सचिन को यहाँ से ले जाने का। वो रहा मेरा सच्चू। सच्चू हाँ? तुझे पटाखे उड़ाने हैं? हाँ। चल मेरे साथ। नहीं आजी, मैं अपने दोस्तों के साथ उड़ा रहा हूँ। अरे राजा मैं तुझे एक सरप्राइज दिखाती हूँ। क्या है वो? सबके सामने नहीं बोलने का। प्लीज आजी, मैं अरे चल ना बेटा। क्या करूं मैं इस सच्चू का, समझ में नहीं आता। अरे रामू चलो लाइन में, क्या हुआ? हाँ बोल। अब ध्यान देकर वो काम पूरा भी कर देना, ठीक है? पर हाँ ख्याल रहे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बाकी का पैसा जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। ये हुई ना बात, मैं जो चाहता था जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। अब आएगा असली मजा। हैप्पी दिवाली मानो, हैप्पी दिवाली। ये मौका अच्छा है, सचिन को अंधेरे में यहां से ले जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने सच्चू को गाड़ी में बिठा दिया है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल भाग जा। हाय पर लाइट को क्या हुआ? मुझे क्या करना है? देख मैंने भगवान को बोला था मुझे सच्चू को लेके भागना है, अंधेरा कर दो करके। तू क्यों टेंशन लेती? जब तक अंधेरा है तब तक तू भाग जा। जी आई।